यहाँ पे एक हमें चौकीदार मिल गया और ये बड़ा डेंजरस तरीके से हमें देख रहा है और ये अपने दोस्तों को बुला रहा है मुझे लगता है, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकलो साइड से, माफ कीजिएगा भाई साहब, हम लोग अपने रास्ते जा रहे हैं। ओ माफ कीजिएगा बहन जी, माफ कीजिए बहन जी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हैं क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग घर के अंदर थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा टहल लिया जाए। और चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे साइड में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब बड़ा बड़ा तालाब पोखरिया बोलते हैं इधर साइड में उसे, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको दिखाने वाले हैं। और आप जानते ही हैं इन दोनों को, हमारे साथ है मोंटी हमारे हीरो और ये है सेकेंड हीरो मोनू। तो हम लोग तीन जने और हम लोग अभी चलने वाले हैं और आपको भी साथ में लेकर के जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ, मतलब हमारे एरिया में आपको क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस व्लॉग में और आइए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जियो का टावर। मतलब पहले यहाँ पे जियो का टावर नहीं था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, जियो का नेटवर्क नहीं पकड़ता था, मतलब नेट यूज़ करना हो तो आपको घर के बाहर आना पड़ता था। और ये जो एरिया है इसे कहते हैं हम लोग जयनगर, और ये पतरातू प्रखंड में पड़ता है, सौंदाडी नाम का जगह है और जो एरिया है वो है जयनगर। यहीं पे ये जियो का टावर लगा हुआ है और इसी से आगे बढ़ करके अभी हम लोग चलने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं वो नज़ारा जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, डेफिनेटली आप उसे पसंद करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं मैदान में और ये है जयनगर का मैदान जहाँ पे ये आता है मोनू। क्यों आता है मोनू बता? फुटबॉल खेलने के लिए आता है हर सुबह ये लोग। तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और यहाँ फ्री है, मतलब जिसको भी आने का मन है वो आ सकता है, खेल सकता है। मॉर्निंग में जॉगिंग करने के लिए भी आप आ सकते हैं। और जस्ट इसी के आगे हम लोग अभी जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं वो नज़ारा जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं उसी रास्ते पे जहाँ से होकर के हमें गुजरना है और जस्ट इसी के आगे हमें मिलने वाला है वो पानी वाला नज़ारा, जिसमें बहुत बड़ा सा प्लेस में पानी भरा हुआ है। एक्चुअली पहले यहाँ पे जो था खुदाई की जाती थी कोयला वगैरह निकालने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है पतरातू क्षेत्र कोलियरी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो काला सोना है कोयला वो बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे भी उसकी खुदाई की गई थी। और फिर उसके बाद में जितना भी यहाँ से निकला सोना काला वाला निकाल करके फिर यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पे लोग इसे नहाने धोने का यूज़ कर लेते हैं यहाँ के पानी से। तो अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं और अभी आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जगह जगह पे वहाँ पे पानी जमा हो चुका है, जिसको यहाँ के लोकल लोग क्या बोलते हैं, पोखरिया, खदान और पोखरिया, जैसा मोनू ने बताया खदान और पोखरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, आप लोगों को भी दिखाते हैं। रास्ता थोड़ा आपको ऊबर खाबड़ मिलेगा जैसा कि आप अभी देख ही रहोगे, लेकिन आगे चल के जो नज़ारा है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। और ये रहा हमारा फर्स्ट पोखरिया। मतलब ऐसे छोटे छोटे पोखरिया बहुत सारे हैं, मतलब तीन चार हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कोई नहाते हैं मोनू? नहीं नहीं यार, बड़ा बड़ा मछली है नहाते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मछली मारता है और यहाँ पत्थर भी जाते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब यहाँ पे मछली पालन किया गया है क्या? हाँ हाँ, पालन भी किया है और ऊपर से गिरता भी है। ऊपर से गिरता है? ऊपर से कैसे गिरेगा? हाँ दी, और अपने अपने का भी, मतलब अपने भी होता है मछली। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे मछली डाल के भी रखा हुआ है और फिर नेचुरली भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अधिकतर लोग मछली मारने के लिए आते हैं, यहाँ पे नहाते नहीं है। कांच उच भी फूटल है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह भी बहुत है, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है थोड़ा नहाना। तो आगे जो है दो तीन वहाँ पे सारे लोग नहाते हैं। अभी मोनू पूरा बताएगा, मोनू को पूरा पता है इधर का है ना ना मोनू पता है ना? नहीं नहीं छोड़ दिया हम छोड़ दिया क्या छोड़ दिया तुम पोखरिया ना पोखरिया अरे पोखरिया आना छोड़ दिया तो भूल तो थोड़ी नहीं गया क्या? ये क्योंकि मेरा याददाश्त बहुत कमजोर है सच्चे में, यही लड़का है याददाश्त कमजोर हो गया इसका मेरा नहीं है। और इधर आपको एंजॉय करने का सामान भी मिलेगा, तो बहुत भाई लोग हैं ऐसे जो कि इधर ये कर जाते हैं तो एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। उधर चिकन चिल्ली का बॉक्स भी मिलेगा आपको। हाँ, चिकन का बॉक्स भी मिलेगा। तो यहाँ पे खुशियाँ मनाने, गम मनाने, सब मनाने आ जाते हैं और इस तरह से अपना गम फोड़ करके चले जाते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको पहला वाला पोखरिया दिखाया, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले पे। तो ये जो तीन चार हैं पोखरिया, ये सब मतलब साथ में ही है, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हैं। तो चलिए अब दूसरे वाले पे नज़र डालते हैं। अगर गौर से देखेंगे तो बहुत सारे आपको जानवर भी दिखाई देंगे यहाँ पे, मतलब लोग है ना अपने मवेशियों को इधर इवनिंग का जो स्नैक्स होता है ना चराने के लिए आ जाते हैं, घास वगैरह खिलाने। तो आप जानवर लोग को जी, चलिए सेकंड वाले पोखरिया में देखते हैं, फिर भी थर्ड और फोर्थ भी आपको दिखाने बाकी है। ये जो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, अरे ये वाओ देखिए, वाओ बहुत खूबसूरत। यहाँ पे मोनू नहाते हैं? हाँ यहाँ पर भी पत्थर, यहाँ पे भी नहीं नहाता कोई, बट यहाँ का जो नज़ारा है ना मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। मतलब एक साइड है इधर चट्टान और आगे में है आपका ग्रीनरी और इधर से पूरा ओपन खुला हुआ। हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सिनेमैटिक शॉट दिखाने का आपको, थोड़ा और नज़दीक चले जाते हैं उसके बाद में। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे देखने में, बहुत ही मज़ेदार। सबसे खतरनाक ऐसा शॉट, कम से कम ड्रोन रहेगा तो खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक वीडियो शूट होगा। ड्रोन रहता तो फिर और भी बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है सिनेमैटिक शॉट वगैरह, ऊपर से भी आपको पता चलता है कि आखिर लुक कैसा है इसका। मतलब लोग हैं जो जानते नहीं हैं इन एरिया के बारे में यहाँ के लोग, और काफ़ी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी है, बट आज हम लोग आए हैं तो चलिए आपको दिखा भी देते हैं। और इसके जिस दूसरे साइड में आपको तीसरा वाला मिल जाएगा, वो देखिए उस साइड, ये रहा तीसरा। मतलब एक इधर है और एक इधर है और बीच से रास्ता है, आई थिंक ये रास्ता मार्केट की ओर जाएगा, तो हम लोग वापस इसी रास्ते से लौट लेंगे, ठीक है? तो अभी इधर और इधर दोनों साइड में है, बट ये वाला नज़ारा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही खूबसूरत है।